हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न लिमेरिक्स। लिमेरिक्स मतलब नॉनसेंस पोएम, जो पढ़ के हमें हंसी आती है। रीडिंग। एडवर्ड लियर वॉज एन इंग्लिश पोएट हु रोट मेनी नॉनसेंस पोएम्स। ये जो पोएट है, क्या नाम है इनका? एडवर्ड लियर। और इन्होंने बहुत सारे नॉनसेंस पोएम लिखे हैं। नॉनसेंस मतलब जिसको कोई भी सेंस नहीं रहता है। दिस पोएम्स ऑफन मेड ऑफ वर्ड्स दैट हैव नो रियल मीनिंग। मतलब इसमें जो भी वर्ड्स यूज किए जाते हैं उसका कोई मीनिंग नहीं रहता रियल। ही ऑल्सो रोट सेवरल लिमेरिक्स। उन्होंने बहुत सारे लिमेरिक्स लिखे हैं। अ लिमेरिक इज अ फनी पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 5 लाइन्स। लिमेरिक्स में कितने कैसी पोएम होती है जिसमें सिर्फ 5 लाइन्स होते हैं। लेट अस रीड सम लिमेरिक्स बाय एडवर्ड लियर। फर्स्ट तो यहाँ पर आप एक पिक्चर देखिए। यहाँ पर क्या दिख रहा है? एक पेड़ दिख रहा है, वहाँ पे एक आदमी बैठा है, उसके सामने एक बीक है, करेक्ट? सो लेट्स स्टार्ट। देयर वॉज एन ओल्ड मैन इन अ ट्री हु वॉज हॉरिबली बोर्ड बाय अ बी। व्हेन दे सेड डज इट बर्ड्स ही रिप्लाइड यस इट डज, इट्स अ रेगुलर ब्रूड ऑफ अ बी। अब देखो इसका मीनिंग क्या है कि एक आदमी था, एक बूढ़ा आदमी, ओके, हु वॉज हॉरिबली बोर्ड बाय अ बी। और वो क्या हो चुका था? हॉरिबल मतलब क्या होता है? अनप्लेजेंटली। वो अनप्लेजेंटली बोर हो चुका था। किस चीज़ की वजह से? बीस की वजह से। वेन दे से डज इट बज, यहाँ पर दे जो वर्ड यूज़ किया है, ये यूज़ किया है पीपल्स के लिए, अदर पीपल्स, जो वो ओल्ड मैन के साथ में है या उसके आस पास खड़े हैं। वो उसे पूछते हैं ओल्ड मैन को, डज इट बज, इट मतलब बी, कि बीस बस करते हैं क्या? ही रिप्लाइड, ही मतलब ओल्ड मैन, ओल्ड मैन रिप्लाइड यस इट डज, कि हाँ वो करते हैं। इट्स अ रेगुलर ब्रूड ऑफ अ बी, ये क्या है? ब्रूड मतलब क्या होता है? समथिंग अनप्लेजेंट और ऑकवर्ड, कि ये बीज तो हमेशा ऐसे ही करती है, ऐसे ही ऑकवर्ड से आवाज़ निकालती है। अभी देखो यहाँ पर हमने ये 5 लाइन्स पढ़ी, इसका कुछ भी मीनिंग नहीं है, करेक्ट? देन नेक्स्ट सेकेंड। There was an old man with a beard. आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। Who said it is just as I feared? 2 owls and a hen, 4 larks and a wren have all built their nests in my beard. देखो आपको फिगर में दिख रहा है, एक आदमी है, एक ओल्ड मैन है, उसकी दाढ़ी देखो कितनी बड़ी हो चुकी है ना? ऐसी होती है कभी? नहीं होती है। और उसमें तो कुछ बर्ड्स ने क्या किया है? अपना घोंसला भी बनाया है। किसने किसने बनाया है? 2 owls देख रहे हैं हम लोगों को, हेन भी है, लार्क्स भी है और व्रेन भी है। चलो अभी हम पढ़ते हैं इसे। देर वॉज एन ओल्ड मैन विथ अ बियर्ड, एक ओल्ड मैन था, उसे बड़ी सी बियर्ड थी। हु सेड इट वॉज जस्ट एज फियर्ड, कि मुझे इसी बात का डर लगता है, इसी बात का डर लगता था। किस बात का डर लगता था? 2 owls एंड अ हेन, 4 larks एंड अ व्रेन। लार्स मतलब स्मॉल ब्राउन बर्ड विथ अ वेरी प्लीजेंट सॉन्ग, एंड व्रेन मतलब अ स्मॉल ब्राउन सॉन्ग बर्ड, हाउ ऑल बिल्ड देयर नेस्ट इन माई बियर्ड, कि ये सारे जो लोग हैं, आउल्स, हेन, लार्क, व्रेन, ये क्या करेंगे? एक दिन मेरे बियर्ड में नेस्ट बना लेंगे। देन थर्ड, अभी यहाँ पिक्चर में क्या दिख रहा है कि एक घोड़े पर एक आदमी खड़ा है, वो भागता जा रहा है फास्ट से, और उसके पीछे 2 लोग भाग रहे हैं, करेक्ट? देयर वॉज एन ओल्ड पर्सन ऑफ बेसिंग हुज प्रेजेंस ऑफ माइंड वॉज अमेजिंग। ही परचेस्ड अ स्टेड विच ही रोड एट फुल स्पीड एंड एस्केप फ्रॉम द पीपल ऑफ बेसिंग। मतलब देयर वॉज मतलब हाँ, एक ओल्ड पर्सन था, कहाँ का था वो? बेसिंग का, ठीक है? बेसिंग इज द नेम ऑफ प्लेस। हुज प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब वो क्लेवर था, उसका क्लेवरनेस, इंटेलिजेंस वॉज अमेजिंग, मतलब उसका जो इंटेलिजेंस था वो कैसा था? एकदम सरप्राइजिंग था, कि बहुत ही अच्छा इंटेलिजेंट था वो, क्लेवर था। ही परचेस्ड अ स्टीड, उसने क्या किया? स्टीड खरीदा। स्टीड मतलब अ हॉर्स दैट समवन राइड्स, विच ही रोड एट फुल स्पीड, और उसने क्या किया? उसके ऊपर राइड किया, ठीक है? कैसे किया? फुल स्पीड में। एंड एस्केप फ्रॉम द पीपल ऑफ बेसिंग, और उसने इतने जोर से मतलब इतने फुल स्पीड में वो रोड कर रहा था कि क्या हुआ कि वो भागते भागते वो बेसिंग के पीपल्स, बेसिंग के जो पीपल्स थे, बेसिंग में रहने वाले जो लोग थे, उनसे वो बहुत दूर भागकर चला गया।
देखो हम लोगों ने यहाँ पर तीन लिमरस देखे और इनको कोई भी मीनिंग नहीं था, ये सारे कैसे थे, फनी।